रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। शिवपुरी में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों की 22/7/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी। लंबित मांगों के निराकरण तक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज प्रदेश भर में अर्धनग्न प्रदर्शन जारी है एवं पंचायत विभाग के ग्राम पंचायत से लेकर जनपद जिला पंचायत तक सभी कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। 52,000 गांव एवं 313 जनपद व जिलों में एवं राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटक संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश रावत। क्या पद है आपका? मैं जिला अध्यक्ष हूं। अच्छा, आप ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हो, क्या समस्या लेकर आप ये हड़ताल पर? यहाँ पर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के लगभग 17 संगठन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें संविदा कर्मी भी हैं जो नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं, पंचायत सचिव 6वें वेतन के लिए लड़ रहे हैं, और भी जो जनपद के कर्मचारी हैं, किसी को अनकंपा नहीं मिल रही, किसी को जो पेंशन नहीं मिल रही, तो ऐसी बहुत सारी मांग है जो अलग अलग संगठन उनकी अलग अलग मांग है, और जो मांगे जायज मांगे हैं उन्हीं मांगों को लेकर पिछले 22 तारीख से लगभग 8 दिन से हड़ताल जारी है। अच्छा, आप कितने टाइम से आप ये हड़ताल पर बैठे हुए हो? 22 जुलाई से। अभी तक कुछ सुनवाई हुई है? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? आंदोलन जितना समय निकलता जाएगा आंदोलन रुक होता जाएगा। और जो विकास कार्य रहे थे जो जनपद पड़े हैं, पूरा पंचायत लेवल से लगे और जिला और जनपद तक सारे काम बंद पड़े हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या होगा? आंदोलन होगा, माननीय सिंधिया जी को दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया जाएगा 5 अगस्त को, उसके बाद भोपाल में मंत्रालय को घेराव करेंगे।